हमारे 23 और 24 तारीख को आरा में, 25-26 को पटना में और 27-28 को मुजफ्फरपुर में पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं की जितनी पेंशन विसंगतियां हैं वो दूर करने के लिए इलाहाबाद से अकाउंट अफसर और असिस्टेंट अकाउंट अफसर, इसको डबल एओ बोलते हैं, दो लोग 23 को 24 को हमारे जिला सैनिक कल्याण के ऑफिस में आएंगे। जिस किसी का भी पेंशन की कोई भी विसंगतियां हो उसको दूर करने के लिए लोग आ रहे हैं। दूसरा नंबर, जिस किसी का इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ नंबर, पहले क्या हुआ करता था कि पीपीओ नंबर आया करता था इलाहाबाद से और कितने लोग गुम हो जाया करते थे, आजकल सरकार ने ई पीपीओ बना दिया है, कोई भी अपने निकाल सकता है। हमारे पूर्व सैनिक लोग इतने तेज नहीं है, इसलिए जिसको ई पीपीओ नहीं मिला है वहीं पर निकाल कर और वो लोग देंगे। तो दो दिन का कैंप लग रहा है कि हमारा दानापुर के आर्मी से भी लेटर आया हुआ है और मेरे पास वहाँ से भी लेटर आया हुआ है सीडीए इलाहाबाद से। परिचय, मेजर राणा प्रताप सिंह, बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष, भोजपुर। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कुट कुट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, ईटीसी बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ आरा।